नमस्कार, जनसत्ता.com में आपका स्वागत है। मैं हूँ रचना रावत। मैं हूँ स्नेहा बरूनी और हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिग बॉस से जुड़े अपडेट्स। और आज हम बात करेंगे एपिसोड 31 के बारे में। बिग बॉस ने एक टास्क दिया था घर वालों को, जिसमें शिल्पा और विकास इन दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा किया गया। वहीं शिल्पा ने जीतने के लिए बहुत सारे पैंतरे आजमाए, लेकिन आगे क्या हुआ उसके बारे में बताएंगी स्नेहा। मैं बताती हूँ, हुआ ये कि जब बिग बॉस ने टास्क दिया था जो लग्जरी बजट टास, उसमें हिना के साथ मिलकर शिल्पा ने चीटिंग की। उन्होंने विकास के सारे पैसे चुरा लिए, उनकी तिजोरी में जो पैसे रखे थे उन्होंने उस पर हाथ साफ कर लिया और पैसे चुरा लिए, ताकि वो इस टास्क की विजेता बन सके, लेकिन वो हार गई। बिल्कुल, क्योंकि विकास के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई, शिल्पा ने उनको बहुत परेशान किया और उनकी तिजोरी का सारा सामान सारा पैसा निकाल लिया, इसलिए विकास को गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आया था, लेकिन वो प्रिटेंड नहीं कर पाए। उन्होंने बोला बेकार चिल्लाना तो बिल्कुल बेकार है और शिल्पा के साथ ज़्यादा बहसबाजी नहीं करना ही ज़्यादा ठीक रहेगा, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को अवॉइड किया। पहले बिग बॉस ने दोनों कंटेस्टेंट्स को, यानी कि विकास और शिल्पा, जिनको ये लग्जरी बजट टास्क का दिया गया था, उनसे कहा कि आप 50-50 क्वेश्चन बनाएं, लेकिन दोनों ही इन्हें बनाने में असफल रहे। उसके बाद बिग बॉस ने दूसरा राउंड दिया घर वालों को थोड़ा सा लग्जरी बजट में कुछ अच्छा कमा लेने के लिए, लेकिन इस दौरान घर वाले इसको भी करने में असफल रहे। बिग बॉस ने कहा था कि आपको 50 के बदले अब इस राउंड में 25-25 क्वेश्चन बनाने हैं, लेकिन वो उसमें भी सफल नहीं रह पाए। इसके बाद घर के अंदर जो चोरी की थी हिना और शिल्पा ने, उसको लेकर काफ़ी बहस देखने को मिली और विकास को बहुत से कंटेस्टेंट अपना छिपा हुआ समर्थन देते हुए देखे कि भाई हाँ, तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, तो हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल, विकास के साथ इस दौरान आकाश नज़र आए और हिना के साथ, हिना और शिल्पा ये दोनों के दोनों साथ में नज़र आए। वहीं बंदगी और पुनीश इन दोनों ने छुप करके विकास को अपना समर्थन दिया। इसके बाद क्योंकि लग्जरी बजट टास्क में कोई काम नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से हिना काफ़ी गुस्से में है और उन्होंने कहा कि सबको पैसे की पड़ी है, कोई काम नहीं कर रहा। उन्होंने शिल्पा को भी कहा कि सबको बोलो कि काम करे, पैसे के पीछे ना पड़े। बिल्कुल, लेकिन हिना की बात शिल्पा ने नहीं मानी। वो काफ़ी उनको बोलती रही कि यार तुम कम से कम पैसे की तरफ इतना ध्यान मत दो और अपने काम की तरफ, जो हमको लग्जरी बजट मिलेगा उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा तो हमारा पूरा हफ्ता आसानी से कट सकेगा। इसके बाद सबने थोड़े थोड़े करके बेनाफ्शा को पैसे दिए और बेनाफ्शा के पास सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हो जाते हैं और इस क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा पॉइंट्स है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली अगले हफ्ते की कैप्टेंसी के लिए नॉमिनेट हो गई। यानी अगले हफ्ते जो भी कैप्टेंसी की रेस में होगा उसमें बेनाफ्शा का नाम अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें जनसत्ता.com के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।